मैं खुद टीएलपी को मतलब प्रॉपरली कवरेज करता हूँ। जी चिश्ती सुरला की आज तक बात ही नहीं हुई वहां पे, ना कोई मानता है चिश्ती सुरला को। आप भी हर वीडियो के अंदर हम सुन रहे होते हैं चिश्ती सुरला ये, चिश्ती सुरला पार्टी है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं, वो इसलिए, वो तो कभी आप तबलीगी जमात के इज्तिमा में भी नहीं सुनेंगे अशरफली रसूलुल्लाह पार्टी। तो बरेलवी तो सारे उन्हें अशरफली रसूलुल्लाह पार्टी मानते हैं। क्यों मानते हैं? और खुद अहमद बरेलवी साहब ने जो हुसामुल हरमैन लिखी है और उनपे कुफर के फतवे लगाए हैं, वो उन्हीं गुस्ताखाना इबारतों के ऊपर लगाए हैं। तो बरेलवी तो मानते हैं ना, खुद तो नहीं कोई अपने आप को कहेगा। तो क्या देवबंदियों ने मानना शुरू कर दिया मैंने, अशरफली रसूलुल्लाह मैंने वहां पार्टी पे है? काफी लोगों से पूछा, बड़े उलमा के नाम से पूछा, वो कहते हैं हम तो चिश्ती रसूलुल्लाह को ठीक समझते हाँ, नहीं है। उधर भी आ जाए ना, वो ठीक समझते नहीं है। तो इनसे ये पूछें कि ये मुनाजरे क्यों लड़ते रहे हैं बरेलवियों के और अहले हदीस के जो मुनाजरे हुए हैं उसमें बकायदा बरेलवियों ने चिश्ती रसूलुल्लाह को डिफेंड किया हुआ। किसने मुनाजरा लड़ा? मुनाजरा लड़ा था वो नूरी साहब ने, वो जो कहना मैं किला ठोकांगा, वो जो गंदा किस्म का मुनाजरा यूट्यूब पे मशहूर है। दोनों तरफ जो रूड लैंग्वेज यूज हो रही है, एक तरफ वाबी बैठा हुआ है, एक तरफ बरेलवी बैठा हुआ है, उसमें वो मौलवी बैठे हुए सारे बीच में, और वो चिश्ती रसूलुल्लाह को डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं वो खास हालत में थे। सही, हाँ, तो डिफेंड करते हैं उसको। और मैंने इनको ये क्लियर कट बताया कि अल्लाह के बंदो, तुम्हारे अहमद बरेलवी साहब ने सबा सनाबल जिस किताब की तारीफ की है उसके अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह मौजूद है, और फतावा रिजविया में आला हजरत ने लिखा है कि ये किताब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। उस वक्त से तो इनको पिसू पड़ गए। तो कोई बंदा जड़ा बढ़े ना और कह के आला हजरत ने गलत किया है, उनको नहीं पता चला। और मुझे बताएं, लाहौर से तरीके लबैग निकली है, लाहौर ही से चिश्ती रसूलुल्लाह उनके अपने फिरके के लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो वो जाके उधर क्यों नहीं धरना देते? अगर लबैक वाले कह दें कि हमारा चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर हाँ वो ये कहें कि चिश्ती रसूलुल्लाह इस तरह नहीं, मैं चूंकि आला हजरत का मानने वाला हूं इस फील्ड में, तो मैं आला हजरत वाली बात करूंगा। वो ये कहेंगे चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ाने वाले, उसके हक में मुनाजरे करने वाले, उसको छापने वाले, ठीक है, उसको बेच के कमाई खाने वाले, ये सब के सब जो है ना वो काफिर है, ठीक है, और हम इन सब से ऐलान बरात करते हैं। ये करें तो मैं अगली मोर जो है वो क्रेन के ऊपर लगा दूंगा। तो और टाइम क़यामत तक है, वो कभी भी नहीं और कहेंगे। ये जो इलेक्शन होने वाले 2023 में, इसमें मोर किस पे लगा? मैं क्रेन पे लगा दूंगा ना, अगर वो इन गुस्ताखाना इबारतों से ऐलान बरात कर दे। और लेकिन इस तरीके से करें जो आला हजरत ने सिखाया है। वो आला हजरत कहते हैं ना, इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर। ये कि चिश्ती रसूलुल्लाह छापने वाला, उसे प्रिंट करने वाला, उसको बेचने वाला, उसके हक में मुनाजरे करने वाला, वो भी काफिर, और उनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर। अब ये ना कहें कि किताबें तब्दील हो गई हैं, किताबें तब्दील हो गई हैं तो अब इनका राग लाप रहे ना। तो तब्दील हो गई हैं, नहीं, किताबें तब्दील हो गई हैं तो पहले मुनाजरा क्यों कर रहे थे? इसका मतलब है कि मैं इनका मुजद्दिद हूं जिसने आके इन्हें बताया कि किताबें तब्दील हो गई। लेकिन गलती मान ली है ना? गलती नहीं, 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 गलती उन्होंने ये मानी नहीं है। गलती तो तब माने ना जब वो कहें कि बुजुर्गों ने गलत किया, और हम जो पहले डिफेंड कर रहे थे हमें पता नहीं चला, इंजीनियर साहब ने आके बताया। तो इस एक बात की वजह से आप कह रहे हैं कि जो टीएलपी है उसको एंटी कादियानी होना चाहिए, या ना कि खत्मे नबूवत तहरीक होना चाहिए? खत्मे, मैं तो कहता हूं कि काश टीएलपी खत्मे नबूवत तहरीक बने, एंटी कादियानी सिर्फ ना रहे। एंटी कादियानी तो हम भी हैं, हम खत्मे नबूवत पे चाहे गुलाम कादियानी दज्जाल डाका मारे, चाहे अशरफली रसूलुल्लाह कलमे को एंडोर्स करके डाका मारे, चाहे चिश्ती रसूलुल्लाह को एंडोर्स करके कोई डाका मारे, ख्वाह कश्म मजूब की वो जो गुस्ताहाना इबारतें हैं साफ और सुकर की, या बाजी बुस्तामी का कहना कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, और तस्करतुल औलिया में सुबहानी मा आवा मशानी जितनी गुस्ताहाना इबारतें मैंने हाईलाइट की हैं, ये सारी की सारी गुस्ताहाना इबारतों को गुस्ताहाना समझे। मैं तो आला हजरत के नामुकम्मल मिशन की तकमील कर रहा हूं। आला हजरत ने तो गुस्ताखियां सिर्फ देवबंदियों की पकड़ी थी। मैंने उसामुल अरमैन में जो आला हजरत के फतवे हैं उन फतवों को एंडोर्स किया है उन गुस्ताखाना इबारतों के ऊपर, लेकिन वो अधूरी बातें हैं। जो इनके बुजुर्गों ने काम डाला है ना, वो आला हजरत ने छोड़ दिया था, वो नामुकम्मल मिशन मैंने तकमील की है, अल्हम्दुलिल्लाह।